नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जीओवी पीवीटी को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार में बन रही है विश्व की सबसे लंबी बुद्ध प्रतिमा। महिला दिवस के मौके पर आज ट्रेन से लेकर विमान सब महिलाओं के हाथ। बिहार के एयरपोर्ट को जमीन देने के मामले पर कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। अब पानी में भी रखी जाएगी शराब तस्करों पर नजर। शिखर धवन और यजुवेंद्र चहल का डांसिंग वीडियो हो रहा है वायरल। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बन रही है विश्व की सबसे लंबी बुद्ध प्रतिमा। बोधगया के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार द्वारा बोधगया वासियों को और भारी संख्या में यहां आने वाले लाखों पर्यटकों को उपहार मिलने वाला है। आपको बता दें कि यहां आपको 100 फीट के बुद्ध की शयन मुद्रा वाली प्रतिमा देखने को मिलेगी। भगवान बुद्ध के लिए मशहूर बोधगया में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ति बनाई जा रही है। बुद्ध की यह प्रतिमा 100 फीट लंबी होगी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा शयन मुद्रा में बनाई जा रही है और बुद्ध की ऐसी प्रतिमा बिहार में बनने वाली विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा होगी। साल 2009 में बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के इसके निर्माण की नींव रखी गई थी। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि फरवरी 2022 तक इस प्रतिमा का विधिवत उद्घाटन कर दिया जाएगा। बिहार प्रशासनिक सेवा के 17 अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार सरकार में तबादले का दौर जारी है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 17 अधिकारियों का तबादला बीते दिन कर दिया है। इसको लेकर के राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी की है। आपको बताते चले कि कुंदन कुमार को बाढ़ का एसडीओ बनाया गया। कुंदन कुमार को बाढ़ का एसडीओ बनाने के साथ ही दल सिंह सराय के अनुमंडल पदाधिकारी प्रियंका कुमारी को भी बनाया गया है। प्रदीप कुमार को गोपालगंज सदर एसडीओ और अमिताभ कुमार को किशनगंज एसडीओ बनाया गया। वहीं आदित्य कुमार झा हवेली खड़गपुर के एसडीओ बनाए गए हैं। इसके अलावा अन्य अधिकारियों का तबादला भी किया गया है। महिला दिवस के मौके पर आज ट्रेन से लेकर विमान सब महिलाओं के हाथ। आज महिला दिवस के मौके पर बिहार सरकार ने बिहार की सभी महिलाओं के लिए खास पहल की है, जिसके तहत ही आज ट्रेन से लेकर विमान तक उड़ानों की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है। जिसके तहत ही सुबह से ही जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से लेकर घरेलू उड़ानों में महिला पायलट और महिला क्रू मेंबर थी। स्पाइसजेट की तरफ से भी विशेष रूप से मुंबई और दिल्ली से आने वाले विमानों में महिला पायलट और महिला क्रू मेंबर्स को रखा गया। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल की तरफ से जयनगर से पटना जंक्शन आने वाली जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस को महिला लोको पायलटों द्वारा जयनगर से पटना जंक्शन तक लाया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पटना पार्क प्रमंडल के सभी पार्क और चिड़ियाघर में महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त में प्रवेश दिया जाएगा। अगले साल तक इतने 1000 पंचायत भवन बनाएगी बिहार सरकार। बिहार सरकार अगले वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य में 3000 नए पंचायत सरकार भवन को निर्माण करने वाली है। इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर विधानसभा में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कही है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक बजट के अंतर्गत पंचायती राज विभाग के अनुदान मांग पर हुए वाद विवाद के बाद सरकार का पक्ष रख रहे थे। इस दौरान मंत्री जी ने बताया कि 3000 पंचायतों में भूमि की उपलब्धता की सूचना देने के लिए वो विधायकों से भी आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक 3200 पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्वीकृति मिली है, जिस पर निर्माण कार्य चल रहा है। बिहार के 71 आईपीएस अधिकारियों पर होगी विभागीय कार्रवाई। आने वाले दिनों में बिहार के 71 आईपीएस अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि इन सभी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। गृह विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार कैडर के 71 आईपीएस अफसरों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। हालांकि इन सभी अधिकारियों से बार बार अपने संपत्ति का ब्यौरा देने की मांग जरूर की जा रही थी, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। हालांकि राहत की बात यह है कि इन सब अफसरों के पास इस महीने के आखिरी तक का समय अभी भी बचा हुआ है। ऐसा नहीं करने वाले आईपीएस अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गृह विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार इस सूची में कई नामी गिरामी आईपीएस अधिकारियों के नाम भी शामिल है। अब पानी में भी रखी जाएगी शराब तस्करों पर नजर। बिहार में गहने को शराबबंदी कानून लंबे समय से लागू है, लेकिन इस कानून की धज्जिया किस हिसाब से उड़ाई जा रही है, इसका उदाहरण आप देख ही रहे होंगे। बिहार में सरकार शराब को लेकर अब काफी सख्त है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के बाद अब सरकार शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए मोटर बोट का इस्तेमाल करने वाली है। मद्य निषेध विभाग ने इसको लेकर योजना बनाना भी शुरू कर दिया है। इसको लेकर ही कंपनियों से प्रस्ताव मांगा गया है। शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार 3 साल के लिए नदियों में मोटर बोट की निगरानी करने वाली है। महिला दिवस के मौके पर सीएम नीतीश और राज्यपाल फागू चौहान ने दी शुभकामनाएं।
आज देश भर में महिलाओं का दिन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इसी बीच आज जहां महिलाओं को घूमने फिरने में खास छूट बिहार सरकार की तरफ से दी गई है, वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर सीएम नीतीश और राज्यपाल फागू चौहान ने महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी, जिसके तहत दोनों ने ही अपना अपना बयान जारी करते हुए कहा कि महिलाएं समाज का अभिन्न हिस्सा है। किसी भी राज्य या देश के विकास में महिलाओं का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। वो प्रतिभा के बलबूते विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बना रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। बिहार के एयरपोर्ट को जमीन देने के मामले पर कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के संबंध में जमीन अधिग्रहण और अन्य मुद्दों के मामले में पटना हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य को जवाब देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट को जमीन देने के मामले में राज्य में पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अलावा गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, फारबिसगंज, मुंगेर और रक्सौल एयरपोर्ट है, लेकिन इन एयरपोर्ट पर बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं का अभाव बताया गया है, जिसके बाद ही अब कोर्ट ने सरकार से जवाब की मांग करते हुए 9 मार्च 2022 तक का समय दिया है। सरकारी स्कूल में तैनात रात्रि प्रहरियों का वेतन बढ़ाएगी नीतीश सरकार। सरकारी स्कूल में तैनात रात्रि प्रहरियों के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि अब तक उन्हें कम वेतन से ही गुजारा करना पड़ रहा था, जिसके कारण उनके सामने काफी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थी, लेकिन अब उनके वेतन वृद्धि की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि आज विधानसभा में राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने इस मामले को प्रश्नोत्तर काल में उठाया, जिसके जवाब में ही सरकार ने बताया कि रात्रि प्रहरियों को मिलने वाले भत्ते को बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर ही सरकार ने विचार विमर्श भी शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में रात्रि प्रहरियों को केवल 5,000 रुपए मासिक भत्ते के तौर पर दिया जाता है। NH-19 पर बनेगा 24 लेन टोल प्लाजा, जाम से मिलेगा निजात। अब बिहार के कैमूर जिले से होकर निकलने वाले NH-19 पर 24 लेन के टोल टैक्स की सुविधा मिलने वाली है, जिसके तहत ही अब उम्मीद है कि लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर लगने वाले जाम से छुटकारा मिलेगा। इतना ही नहीं, इससे होकर आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगी, इसको लेकर ही तैयारियां तेज हो गई है। इससे पहले ही फास्टैग पूरी तरीके से लागू किया गया था, लेकिन फिर भी लोगों को जाम से छुटकारा नहीं मिला, जिसके बाद ही अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि यहां पर 6 लेन वाली सड़कों के लिए टोल प्लाजा पर 24 बूथ बनाए जाएंगे, यानी कि अब आने वाले समय में 100 मीटर या फिर उससे अधिक जाम है तो जाम में फंसे 100 मीटर तक के वाहनों को मुफ्त में जाने का विकल्प दिया जाएगा। अवैध बालू खनन के मामले में एक और थानेदार पर EOU ने कसा शिकंजा। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के नाम का खुलासा एक के बाद एक हो रहा है। यही कारण है कि आर्थिक अपराध इकाई भी तेजी से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। इसी कड़ी में आज EOU ने 2 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कसा है, जिसके तहत ही भोजपुर के सहार में थानाध्यक्ष रह चुके आनंद कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ औरंगाबाद जिला समाहरणालय के जिला कल्याण कार्यालय में प्रधान लिपिक अमरेश राम के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन सब के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। बिहार में अब नहीं चलेगी अधिकारियों की मनमानी। बिहार में अफसरशाही को लेकर बड़े विवाद हुए हैं। यही कारण है कि अब अधिकारियों की मनमानी रोकना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक हो गई है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जल्द ही विधानसभा में प्रोटोकॉल कमेटी बनाने की घोषणा कर दी है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जिस प्रोटोकॉल समिति की बात कही है, उनका काम अब विधायकों की तरफ से भेजे गए पत्र का जवाब सरकार के अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है या नहीं, ये देखना होगा। यानी कि अब साफ है कि विधायकों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा का काम कमेटी को दिया गया है। बिहार के जिलों का चढ़ने लगा है पारा, ये जिला रहा सबसे गर्म तो ये जिला सबसे ठंडा। बिहार में तापमान में वृद्धि अब देखी जा सकती है। दिन ढलने के साथ ही धूप की मार लोगों को महसूस होने लगती है। मौसम वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि इस बार की गर्मी शुरू से ही लोगों की परेशानी बढ़ाएगी और अब ऐसा देखने को मिल भी रहा है। बिहार में मौसम की बात करें तो राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति जारी है। राजधानी में सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा यानी कि 31.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। 33.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे गर्म अररिया रहा, जबकि 11.7 डिग्री सेल्सियस के साथ गया सबसे ठंडा रहा। सप्ताह भर में मौसम के तेवर गर्म ही रहने के आसार हैं। शिखर धवन और युजवेंद्र चहल का डांसिंग वीडियो हो रहा है वायरल। शिखर धवन भले ही इन दिनों क्रिकेट के पिच पर कम नजर आते हो, लेकिन इंस्टाग्राम पर मजेदार वीडियोस पोस्ट जरूर करके वो फैंस से जुड़े रहते हैं। धवन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो फिर से शेयर किया है, जिसमें उनके साथ नजर आ रहे हैं टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल। दोनों सीढ़ी पर बाबूजी जरा धीरे चलो गाने पर डांस कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ धवन ने खास मैसेज भी लिखा है। धवन ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, हमारे आसपास हमारी सेवा करने वाले लोगों को अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर उनको खुशी देकर जो आनंद मिलता है उसका मजा अलग है। देश भर में जारी है कोरोना के
मामलों में गिरावट, बिहार में भी कम आए मामले। भारत में एक दिन में कोविड 19 के 3993 नए मामले सामने आए हैं, जो 662 दिनों में संक्रमण के सबसे कम मामले हैं। इसी के साथ महामारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,29,71,308 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 49,948 हो गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 108 मरीजों की जान गंवाने से जान गंवाने वालों की संख्या 5,15,210 पर पहुंच गई है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 17 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 170 पर पहुंच गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मिथुन कुमार पंडित, कल्याणी चौधरी, नुनु कुमार, शंकर मुखिया, उमा शंकर, अखिलेश कुमार, स्नेहा कुमारी, गोनार शर्मा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार क्या आपके यहाँ और आपके आसपास स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम हो गया है? अगर हाँ तो क्या ये आपके लिए फायदेमंद है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।